अस्सलाम वालेकुम, मैं सदा नाहिदा खादरी एनआरक्यू 24 न्यूज से। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर एक बहुत ही बड़ा आतंकी हमला किया गया। इसी बिना पर हैदराबाद की तमाम मीडिया वालों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और साथ ही में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इसी की एक रिपोर्ट आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर आकर ये कैंडल मार्च करने का मकसद ये है कि कल जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये कोई वार जोन नहीं था, ये बुजदिलाना हमला बोलते हैं इसको, क्योंकि पाकिस्तान की जी में इतना दम नहीं है जो ओपन वार कर सके। क्योंकि कारगिल में जो हुआ था उसका जवाब जो मिला है, उस टाइम से जो है ना, आप छुप के वार करना शुरू करे है। ये बुजदिलाना हमला है। हमारे जवान जो है ना, ये प्रिपेयर नहीं थे, एक सेफ जोन से जा रहे थे। जो ये बुजदिलाना हरकत की वजह से आपने जो बम ब्लास्ट किया है जैश ए मोहम्मद को आगे बढ़ा के, क्योंकि तुम्हारी जी में दम नहीं था, तुम्हारी आर्मी के जी में दम नहीं था, इसीलिए जो है ना ये किराए के टट्टुओं को ला के आतंकवादी हमला कराए है। और सालो, जैश ए मोहम्मद तुम लोग बोलते हो, जैश ए मोहम्मद का मतलब क्या है? अरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, उनकी आर्मी। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी जंगें लड़ी है, क्या कभी ऐसा आतंकवादी हमले के बारे में बोला है तुम लोगों को? सालो, जैश ए मोहम्मद के नाम पे जो है ना, आर्मी के नाम पे, इस्लाम के नाम पे दहशतगर्दी ये मचाते हो और मुसलमानों का नाम बदनाम करते हो। जैश ए मोहम्मद का नाम रखा किसने लिए? चूतिए, अब गाली देना दिल बोल रहा मेरे को, जब तुम्हें एक नाम ही नाम के बारे में मालूम नहीं है। क्या सरकार ऐसा बोले आपको कि दहशत करो, ये करो? पाकिस्तान ने अपने प्रेस नोट ने कहा है कि उनका इस हमले में कोई हाथ नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो प्रॉब्लम है ना साहब, जब हाथ नहीं है तो फिर प्रेस नोट रिलीज क्यों करे? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि आप में ओपन वार जोन में लड़ने की आपके पास वो नहीं है, शक्ति नहीं है, इसीलिए क्या है, किराए के टट्टों को बेच के ब्लास्ट करो, ये करो। अगर हमारी आर्मी अगर वहाँ पर रेडी रहती तो किसी की माने जनी थी। सेफ जोन से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तुम सडनली ला के पागल कुत्तों की तरह अंदर घुस के जो है ब्लास्ट कर रहे हैं, क्या मर्दन की का यही सबूत है आपका? ये कावड इली अटैक ली बोलते हैं भाई, मालूम इसी तरह करो। अच्छा, अब क्या बोलूँ मैं, मेरा दिमाग कल से मेरा ख़राब है, इसलिए मैं कुछ मेरे मुंह से और गालियाँ निकल जाएंगी। हमें चाहिए कि हम हमारे पीएम मोदी साहब से बोलती है, ये गुजारिश करती है कि इसका करारा जवाब दे, इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले आप इसका जवाब दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया। एनआरक्यू 24 न्यूज से इसी तरह मैं आपके सामने सच्चाई दिखाते रहूंगी। इंतजार करिए मेरे अगले न्यूज का।
मेरे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।